पूछा गले में गा ले ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल चले जात भादों की रात चले जात भादों की रात छाई अंधियारी है प्यारे लगे ना प्राण प्राण से प्यारी नारी ले गमछा गले तुलसी जी चले भादों की रात चले जात भादों की रात छाई अंधियारी है अरे प्यारे लगे ना प्राण प्राण से प्यारी नारी है गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल हो अरे बाहर जाकर हंकारे बाहर जाकर हंकारे वहां कौन सुने बंद हो रहे सभी किवाड़े हो वहां कौन सुने बंद हो रहे सभी किवाड़े अरे बाहर जाकर हंकारे बाहर जाकर हंकारे वहां कौन सुने बंद हो रहे सभी किवाड़े हो वहां कौन सुने बंद हो रहे सभी किवाड़े अरे समझ रास लियो पकड़ सांप चढ़ गए अटारी रे ए समझ रास लियो पकड़ सांप चढ़ गए अटारी रे अरे प्यारे लगे ना प्राण प्राण से प्यारी नारी है ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल वचन के अनुरूप एक अंतर हो गया है चले ससुराल ले गमछा गले गुरु कैसे बनाया धर्मपत्नी जी को तो मैं अपनी बात को पूरी कर देता हूँ जब पहुंचे तुलसी जी अपने धर्मपत्नी के शयन कक्ष में धर्मपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ दरवाजे बंद है सब आने का कोई मार्ग नहीं है फिर का हे पतिदेव तुम क्या आए कैसे आए किस रास्ते से आए तुझे बोला हे प्रियतमे तूने जो रस्सी लटका रखी थी मैं उसी को पकड़ के आया हूँ बिजली चमकी जब देखा तो पता लगा कि वो रस्सी नहीं थी वो था सांप प्रेम में व्यक्ति को ये भी पता नहीं होता है कि उसके हाथ में सांप है या रस्सी है इस हद तक इस पागलपन तक प्रेम हो तो प्रेम है वरना तो बंदगी और होश सजदे का इस तरह बंदगी नहीं होती बंदगी और होश सजदे का बंदगी भी कर रहे हो ये भी ध्यान है कि मैं सजदे में झुक रहा हूँ बंदगी और होश सजदे का इस तरह बंदगी नहीं होती आदमी खो जाए आदमी बिल्कुल उसमें लीन हो जाए तो अरे तुम कैसे आए स्वामी तुम कैसे आए स्वामी तुम इतने क्यों बन गए जाम के कामी तुम इतने क्यों बन गए जाम के कामी अरे कहो करो प्रभु से प्रीत वही सच्चा मीत पर अचरज भारी है करो प्रभु से प्रीत वही सच्चा मीत पर अचरज भारी है अरे प्यारे लगे ना प्राण प्राण से प्यारी नारी है ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल तुम कैसे आए स्वामी
हे पतिदेव, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया उतना प्रेम अगर तुम भगवान से करते वो तीन तुलों की नाथ तुमको प्राप्त हो जाता, जितना प्रेम मुझसे किया। देखिए एकदम वो प्रेम कन्वर्ट हो गया। जो दुनिया में इश्क दो ही प्रकार के हैं, प्रेम दो ही प्रकार के हैं, तीसरा कोई प्रकार ही नहीं। महेंद्र साहब ये बात मैं कह देता हूँ जहाँ तक कि मेरी जानकारी में, कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। अब हकीकी में क्या क्या चीज़ें हुई, उस परमपिता परमेश्वर से इश्क, गुरुदेव से प्रेम, उस अविनाशी से प्रेम, शंकर भगवान से प्रेम, राम जी भगवान से प्रेम, सभी आदि अनादि देवताओं से प्रेम, तो वो प्रेम हुआ वो। और मजाजी यानी दुनिया भी इश्क, दुनिया में संसार के प्रेम, पत्नी से प्रेम, पुत्र से प्रेम, गाड़ी से प्रेम, बंगले से प्रेम, सोने से प्रेम, एवं विवेक अनेक अनेक प्रकार के प्रेम, मगर ये सारे प्रेम एक में आ गए। सिंगापुर से प्रेम नहीं, वो मलेशिया से प्रेम नहीं, वो इनका प्रेम नहीं है, वो तो वहां के लोग प्रेम से इनको बुलाते हैं इसलिए ये जाते हैं। तो पति ने कहा है पतिदेव, तुमने जितना प्रेम मुझसे किया अगर भगवान से करते हो भगवान आपको प्राप्त हो जाता। अब तुलसी जी का बिल्कुल दिमाग बदल गया, जीवन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ, तो अपनी पत्नी से बोले अरे सोते से मुझे जगाया, सोते से मुझे जगाया, तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सिखाया, तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सिखाया, तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सिखाया, तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सुनाया। अरे तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, पर तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महतारी है, तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू मेरी माँ है। जय हो, जय हो, तू मेरी माँ है। ये का ये वृतांत हुआ राजा आर्य भर्तृहरि के साथ। ये जाके कहना भिक्षा गालोनी माता पिंगड़ा, अरे भिक्षा दे मोनी माता पिंगड़ा, जोगिया यो थारे द्वार। तो तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सिखाया, तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सिखाया, तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महतारी है। ओ तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महतारी है। प्यारे लगे ना प्राण प्राण से प्यारी नारी है ने, गमछा गले में डाल तुलसीज चले ससुराल, ये गमछा गले में डाल तुलसीज चले ससुराल। तुलसी जी वहां से चले, बिल्कुल दिमाग के सर्किट बदल गए, और वहां से सबसे पहले कहां पर आए मैं आपको बिल्कुल ऐसी बात बता रहा हूं कि जो शायद आप लोगों ने पता है या नहीं, मुझे पता नहीं है। जय सिंह जी बिल्कुल एक मिनट के लिए ध्यान चाहूंगा कि जब तुलसी जी वहां से निकले तो कहां आए, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तिलक करे रघुवीर, तुलसी 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 क्या करो, तुलसी वन की घा आवे कि तेनु दसा कि वे मेरे गुजरे निसा, आवे कि तेनु दसा कि वे मेरे गुजरे निसा। अब तुलसीदास जी चित्रकूट क्यों आए और कैसे आए?
पत्नी जी ने तो ज्ञान दे दिया, और वहां से तुलसीदास जी ने अपना जीवन जो है वो बिल्कुल चेंज कर लिया, जीवन प्रारंभ किया और जीवन पूरा राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। सुबह सुबह प्रतिदिन का तुलसीदास जी का नियम था कि वो जो नित्य कार्य करने के लिए सोच के लिए जाते थे तो साथ में लोटे में जो जल था थोड़ा जल उस लोटे में से बच जाता था, तो तुलसीदास जी उस जल को गिराते नहीं थे, एक पौधे में डाल देते थे। रोज का ये नित्य क्रम, एक दिन जैसे ही थोड़ा समय गुजरा और तुलसी जी ने वो पानी उस जल वृक्ष में उस पौधे में डाला तो उसमें से एक जिन निकला, एक भूत निकला और बोला ही मैं भूत हूं। तुलसीदास जी पड़ भाग और तुलसीदास जी ने कहा डरो मत आप, रुको, आपने बहुत वर्षों वर्ष से मैं प्यासा था, आपने मेरी प्यास को बुझाया है संतों, अब मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आपको कुछ देना चाहता हूं, आपकी जो इच्छा है वो मांग लो। तुलसीदास जी ने बोला भाई मैं तो फकीर आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बाप जी, मांगना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने बोला कि अगर देना ही चाहता है तो मुझे राम जी के दर्शन करा दे। भूत बोला कि भाई थोने अगर राम जी का दर्शन करा दे तो भेंगो पहला मैं कर ले तो, और भूत बने लोगों ने डराओ तो मोक्ष की प्राप्ति कर ले तो। राम जी का दर्शन तो नहीं करा सको लेकिन बजरंग बली बालाजी रो थोने पतो बता दू बालाजी कटे। तो बोले ठीक है, बालाजी मिल जाएगा तो वकील मिल जाएगा तो जज भी मिल जाएगा, और जज मिल जाएगा तो फैसला भी हो जाएगा। बोले भाई चित्रकूट में एक राम जी की कथा चल रही है, आप वहां पर जाओ और वहां दैनिक दिनचर्या से रोज जाना और ये पता करना उस कथा में कि सबसे पहला कौन आता है और सबसे बाद में कौन जाता है, पक्का कंफर्म कर लेना। और अगर आपको पता लग जाए कि भाई सबसे पहले ये बंदा आता है और सबसे बाद में ये जाता है, बस वही बालाजी है। अब तुलसीदास जी चित्रकूट गया, राम जी की कथा चल रही थी, राम जी की कथा में बैठ गया, एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन छह दिन पूरी कथा सुनी और कंफर्म कर लियो सबसे पहला कौन आ रही हो और सबसे बाद में कौन जा रही हो, पता करियो वही आदमी है। जो ही कथा संपन्न हुई बिना आदमी रो पतो कर और बालाजी महाराज पग पकड़ बैठ गया। बालाजी कह रहा भाई कह भी हो महाराज, बोले बाप जी आप बालाजी हो मन हम था है, अबे आप जब तक राम जी रो पतो नहीं बतौला मैं आपका पग नहीं छोड़ू। अरे बोले भाई मैं बालाजी नहीं हूं, मैं तो भगत हूं, जो आप कथा सुनने आया हो मैं भी कथा सुनने आया हूं। बोले नहीं मन हम था है। अब देवी देवताओं की भी समय की कुछ मर्यादा होती है। बालाजी ने बोला कि ठीक है इस भक्त को दर्शन देने पड़ेंगे। बालाजी ने अपने विकराल रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तुलसीदास जी दर्शन करिया, बोले भैया हमें तो पग छोड़ दे क्या, हाँ राम जी रो पतो बताओगे, राम जी का पता बताओगे तो आपके पैर छोड़ूंगा। तो उसने बताया कि चित्रकूट का वो फला फला डीम का घाट है, वहां पर जाओ और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चंदन घिसना, सबसे पहले जो बंदा आकर के बोलेगा कि बाप जी हरिओम तिलक करो बेज राम जी है। चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे ने तिलक करे रघुवीर। जो ही बाप जी सुबह सुबह चंदन घसरिया है और पहलो व्यक्ति आ और ब्रह्म मुहूर्त में बोलियो कि बाप जी हरिओम टीको लगाओ, बाप जी एक हाथ तिलक करियो ने पगम पड़ गया और बोले राम जी मिल गया मने। अरे भाई तिलक करना है आप दक्षिणा वैजी को ले लो पग तो छोड़ो। बोले नहीं बाप जी आप राम हो और मने दर्शन देना पड़ेगा। राम जी विवश हो गया और तुलसीदास जी ने उन्होंने चित्रकूट रे घाट माते दर्शन दिया और तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा कि तुलसी तुलसी नफा पहचानिए भले बुरे से क्या काम, तुलसी नफा पहचानिए भले बुरे से क्या काम, अरे भूता सेती हनुमत मिलिया ने हनुमत सेती राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम छगले में डाल, प्रेम प्रेम जब अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है, ये कभी ट्राई करके देख लेना। आपके वो अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, मगर उसकी पद्धति है, एक रूल रेगुलेशन है। हाँ कह दो नहीं तो। और बदन हो गया देवालय और हृदय मेरा भगवंत हो गया, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप।
डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम माला जपते जपते प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे माला पे सांसों की सांसों की माला पे सांसों की सिमरू में देखा था ओ एक चरण में अपनी तरफ से सुना रहा हूँ। इस बार आपने कोई बाउंडेशन नहीं किया हुआ है, आपने जितना कहा उतना मैंने मान लिया है। अब एक मैं कह रहा हूँ, अरे प्रीतम का कोई दोष नहीं है, वो तो है प्रीतम का कुछ ही दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ ही दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अरे अपने आप से बातें करके अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे 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 सांसों की सिमरू में टिकाया हो। सांसों की माला पे सिमरू में बाबा का नाम चले ससुराल मेरे साहिबा। मैं तेरी हो चुकिया मेरे साहिबा, मैं तेरी हो चुकिया। देख लड़का जी शब्द एक ही है कि मैं, मगर उन्होंने बहुत अच्छा गाया। मैं तो लो हेलो जीरो भी नहीं गा रहा हूँ उसका, जिन्होंने गाया उन्होंने बहुत बढ़िया गाया है। क्या बात है मेरे साहिबा, मैं तेरी हो चुकिया, मैं तेरी हो चुकिया मेरे साहिबा, मैं तेरी हो चुकिया। और ये प्रकाश जी माली एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें अभिनंदन करें। अरे मनो न वसारी मनो न वसारी मैनू मेरे साईबा, मैनू मेरे साईबा हर गलों में मुकिया मेरे साहिबा साहिबा। मैं तेरी हो चुकिया चले ससुराल जगले में डाल तुलसी जी चले ससुराल गम जगले में डाल तुलसी जी चले ससुराल गम जगले में चले जात भादों की रात छाई अंधियारी है प्यारे लगे ना प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गम जगले में डाल तुलसी जी चले ससुराल तुलसी जी चले ससुराल ससुराल चले चले ससुराल।